जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग जो हैं स्पेन जा सकते हैं। एंड स्पेन जाने के लिए आपको ना तो किसी जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत है, एंड ना ही आपको किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, एंड ना ही आपको आईलेट्स की ज़रूरत है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद एंड आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल अपने जॉब्स को। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, स्पेन इमिग्रेशन की तरफ से भी एक नई अपडेट आई है। एंड इस नई अपडेट में स्पेन इमिग्रेशन ने जो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इस अपडेट में, इस न्यूज़ में स्पेन इमिग्रेशन ने ये बताया है कि स्पेन गवर्नमेंट जो है एक नया वीज़ा लॉन्च करने वाली है। एंड दोस्तों, ये जो वीज़ा रहेगा ये विजिट वीज़ा रहेगा, एंड ये वीज़ा 3 ईयर्स का रहेगा। यानी आप जो है इस वीज़ा को लेकर स्पेन जा सकते हैं एंड 3 साल तक आप स्पेन में काम कर सकते हैं। दोस्तों, स्पेन के बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्पेन जो है एक यूरोपियन कंट्री है एंड ये जो कंट्री है शेंजेन कंट्री की लिस्ट में आती है। अगर आप स्पेन चले जाते हैं तो आप जो है लगभग 26 और जो इंजन कंट्री है आप उन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हो। स्पेन में दोस्तों जो लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। एंड स्पेन की जो कैपिटल सिटी है वो है मैड्रिड। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। एंड हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी इस कंट्री में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट जी, ये जो वीज़ा आपको रहेगा ये आपको 12 मंथ्स का मिलेगा, यानी 1 साल का आपको स्पेन का विजिटर वीज़ा मिलेगा। एंड उसके बाद आप जो हैं इसको रीन्यू करा सकते हैं, आप इसको 2 बार रीन्यू करा सकते हैं। तो आप टोटल 3 साल तक जो हैं स्पेन में रह सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि ये वीज़ा किसको मिल सकता है एंड कौन कौन लोग इस वीज़ा पर स्पेन जा सकते हैं एंड इस वीज़ा में हमारा खर्च कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन लोग जो है देखिए इसके लिए एलिजिबल है, यानी कौन कौन लोग स्पेन जा सकते हैं इस वीज़ा पर। जो लोग 18 ईयर से लेकर 55 ईयर की एज के बीच के हैं वो लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग एज ए टूरिस्ट बनकर स्पेन जा सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब ये वीज़ा किन किन लोगों को मिल सकता है? तो दोस्तों, एक विजिटर वीज़ा है, एक विजिट वीज़ा है। तो जो लोग 10th पास है 12th पास है वो लोग जो हैं इस वीज़ा पर स्पेन जा सकते हैं। अब हमारा इस वीज़ा में खर्च कितना आ जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी भी कंट्री टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है कम होती है। तो इस वीज़ा की भी दोस्तों कॉस्ट है वो लगभग 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में है। तो आपका ये खर्च एक साइड में हो गया। एंड इसके अलावा दोस्तों, जस्ट आपको फ़्लाइट टिकट्स बुक करने हैं। स्पेन के जो फ़्लाइट टिकट है दोस्तों इंडिया से लगभग 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 40,000 के बीच में जो है खर्च हो जाएगा। एंड दोस्तों, आप स्पेन चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास एक अच्छा चांस है, आप जो है एज ए टूरिस्ट स्पेन चले जाए एंड 3 साल कंटिन्यू वहाँ पर काम कर लीजिए। एंड गाइज, अगर आप लोग इस वीज़ा के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मैंने स्पेन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। तो आप जो है स्पेन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ। एंड मुझे उम्मीद है आपको आज की अपडेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, जिन लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें।